गुर्दे की साख, गुर्दे जो होते हैं वो गहरे सुर्ख रंग के लोबिया की बीज की शक्ल के आर्गन होते हैं। हर गुर्दा जो होता है वो 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर जो होता है वो मोटा होता है। और इसका वजन जो होता है वो तकरीबन 120 ग्राम होता है। ये जिस्म में पीठ यानी एब्डोमेन की पिछली दीवार के साथ डायफ्राम से थोड़ा सा नीचे मौजूद होता है और ये वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद होता है, वर्टिब्रल कॉलम के पास मौजूद होता है। और आखिरी जो दो पसलियां होती है ना वो गुर्दे की हिफाजत करती है। हमारे जिस्म के अंदर पसलियां जो होती है ना वो आखिरी जो नीचे वाली पसलियां होती है वो गुर्दे की हिफाजत करती है। और हमारे जिस्म में दो गुर्दे होते हैं, एक दायां गुर्दा और एक बायां गुर्दा। दायां गुर्दा जो होता है वो बाएं की निस्बत थोड़ा सा ऊंचा होता है। गुर्दे के मुकर्द जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद होता है और आखिरी दो और गुर्दे के वस्त्र के करीब एक गड़ा होता है जिसे हाइलस कहते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ से यूरेटर जो होती है वो गुर्दे से निकलती है या दूसरी साख्तों में जाती है। और द्वील तुष्ट में गुर्दे के दो हिस्से होते हैं। नंबर वन है रीनल कार्टिस और रीनल मेडुला। रीनल कार्टिस जो होता है गुर्दे का बैरूनी हिस्सा होता है और इसकी रंगत जो होती है वो गहरी सुर्ख होती है। और रीनल जो मेडुला होता है वो गुर्दे का अंदरूनी हिस्सा होता है और इसकी रंगत गहरी हल्की सुर्ख होती है। और रीनल मेडुला बहुत से मुखर्ती हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिसे रीनल पायरामिड्स कहते हैं। रीनल पायरामिड्स के नुकीले किनारे जो होते हैं वो एक कैप नुमा कैविटी में खुलते हैं जिन्हें रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस जो होता है गुर्दे के अंदर यूरेटर का ही एक चौड़ा किनारा है। गुर्दे की फालियाती इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन है। हर गुर्दे के नेफ्रॉन में 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के दो हिस्से होते हैं, रीनल कार्टिस और रीनल कार्पसल और रीनल टिब्यूल। रीनल कार्पसल जो होता है नाली नुमा नहीं होता, इसके भी आगे दो हिस्से होते हैं। नंबर वन है ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस जो होता है वो ब्लड कैपिलरीज का एक जाल होता है, गुच्छा होता है। और जो वुमेन कैप्सूल है वो प्याले नुमा साख्त होती है, ये प्याले नुमा साख्त है जो कि ब्लड कैपिलरीज को घेरे हुए होती है। और नंबर टू है रीनल टेब्यूल ये नाली नुमा हिस्सा होता है और इसकी पहली बिलदार नाली होती है और फिर यू शक्ल की नाली होती है और जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। बहुत सी नालियां जो होती हैं वो कलेक्टिन डक्ट में खुलती हैं। कलेक्टिन डक्ट जो होती हैं वो बहुत सी पेपिलरी डक्ट बनाती हैं। जब पेपिलरी डक्ट जो बनती है वो पेपिलरी डक्ट जब इकट्ठी होती है तो रीनल पेल्विस बनता है। रीनल पेल्विस का ये चौड़ा किनारा होता है और रीनल पेल्विस मिलती है तो एक गुर्दा बन जाता है।